ये जल्ले वाले बाग वाली धमकी दे रहे हैं सानू तो मार देने गोलियां जिन्हें मारनी है वो भी स्वाद वेख लैन जो गोलियां मार के वेखना कोई नहीं फेक झूठा परचा पा के फिर उस बाद कार्रवाइया की गल करनी ये सारा कुछ माहौल खराब करने दी गल्लां है। ये आप प्री प्लानिंग तरीके कर रहे थाणियां गुरु ग्रंथ साहब नू जिहड़ा लैके जाना ये कदों तो गुनाह हो गया सतगुर सच्चे पातशाह की गवाही चलना कदों तो गुनाह हो गया जिहड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के अपना धर्म नहीं निभा रहे उन्होंने सवाल होना चाहिए असी तो सतगुर की गवाही चले हैं चलते रहना है। ये सारे ही रले ने देखो जदन ना खुले इन्हों सारे दे आ जाने जिन्ह जिन्ह ने पंथ नू बेच के पंथ नू उजाड़ के अपने महल बनाए ने इन्हों सारे ना बाहर आना मैं चल जूँ को होर आजूगा रुकता थोड़ी होंगे कम यह समझ लेना चाहिए सिख आजाद होकर रहेंगे सिखा नू इदां दबाया नहीं जा सकता। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੀਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ? ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਟਵੀਟ देखो पंजाब दे वारस कौन दे लायक कौन है कौन नहीं थाणियां च गुरु ग्रंथ साहिब नू जिहड़ा लैके जाना ये कदों तो गुनाह हो गया सतगुर सच्चे पातशाह की गवाही चलना कदों तो गुनाह हो गया। इस करके मैं कहना जिहड़े नशियां नू नत्थ नहीं पा रहे वो नहीं वारस कमाउण दे लायक हैगे। जिहड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के अपना धर्म नहीं निभा रहे उन्होंने सवाल होना चाहिए असी तो सतगुर की गवाही चले हैं चलते रहना है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕੱਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? देखो वो फिर कार्रवाई वाले दौर से जाएंगे तो पंजाब का माहौल आप खराब करने वाली गल कर रहे हैं, साडा तो फिर ये कोई हथ नहीं। फेक झूठा परचा पा के फिर उस तो बाद कार्रवाइया की गल करनी ये सारा कुछ माहौल खराब करने दी गल्लां है। ये आप प्री प्लानिंग तरीके नाल कर रहे हैं। ढंडरिया वाले भी कई शब्दावली कई तरह की बोली जा रही है, कहा जा रहा है कि ये जो भी किया अमृतपाल ने माड़ा किया जी। मैं उस बंदे नूं जानदा ही नहीं, कौन है उहदा नाम ना लैगर मिला। ते कंगना दे तौर भी जड़ी है अजकल उहदे बारे मैं कह चुका हां भी जे किसी ने आके कोई गलबात करनी है वह कर सकदा है। उहदे वल्लों चैलेंज जिहड़ा कबूल कर लिया कि मैं कितने भी डिबेट करने लई तैयार हां, आ जावे मैं किहड़ा किसे नूं रोकिया। भाई साहब जी सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह जीतिया ये सारे ही मतलब बेदबी दे दोष कौन कहते थे चार्जशीट दाखिल हुई है भला बेदबी दे आप क्यों उस बंदे नूं अदब ते बेदबी का की फर्क पता है, उहदी गल ही ना करिए चंगी गल है। देखो भाई साहब जी बहुत वधिया उपराला कर रहे ने जवानी नशियां तो बचाउण वास्ते अमृत छकाउण वास्ते दमदम टकसाल हमेशा इन्हां दा साथ दिंदी है दिंदी रहेगी। अज भी साडे नगर संत करतार सिंह जन्म नगर भूरा कोना दीवान संगत पहुँच रही है, रात्रि दे दीवान सज रहे ने, कल नूं भारी अमृत संचार हो रहा। सुखबीर सिंह बादल वल्लों अमृतपाल जी दी टिप्पणियां कीतियां जा रहियां, किवें वेखदे हो जी कल दा जो नाले दे विच होया उत्ते टिप्पणियां कीतियां? तुसीं दस्सो भी अज तक धर्म दा कोई चंगा काम इस टब्बर तो होया कोई? जिनी घाण मर्यादा सिखां दी इन्हां ने नुकसान किया, किसी ने किया करे सरसे वाले साध दे मगर करे काल तख्त की माण मर्यादा करे कुछ काल तख्त नूं हुण तक इन्हां कठपुतली समझ के वरतिया। अज ये लोग की गल्लां करनगे इन्हां दा बिजनेस खराब हो गया ना जो नशे भाई साहब ने बंद किए थे। देखो भाई साहब जी नूं कई बार कहा जा रहा है आरोप लगाया जा रहा है कोई एजेंसियां दा गल कह रही है, मतलब कई तरह के शब्दावली वरती जा रही है, संत बाबा जरनैल सिंह जी से भी यो दोष लाते ये लोग तो उन्होंने आख्या से भी जो अमृत चुकाना सिखा गुरु ग्रंथ साहब ज जोड़ना साडा काम तो फिर तुहाडे कालियां का की काम? बिक्रम सिंह ने इतों तक कहता जी भी वो फिर बिजनेस खराब हो रहा ना भाई साहब ने जो नशे बंद कर रहा ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡੈ ਪਈਆਂ ਬੋਲਣ, ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਦ-ਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ
शुरू तो 80 तो लैके नाल विहार बन चुके आ गलत परचे कटने तो हुण भी कट्टूगी सिखां दा नुकसान करन वास्ते करेगी जरूर क्योंकि इस सब कुछ किया ही जा रहा कि पंजाब नूं तबाह करना है तो सिखां दा नुकसान करना एक तुहाडे कोल सवाल है क्या जा रहा है भी छोटे जे परचे तो वह गल करन वाले लड़ गए जिहड़े कहिंदे ने केंद्र सरकार दे नाल असीं टकरा नाले मैनूं कही जांदे वी मैं उहनां नूं डराता है नाले मैं डर गया मैनूं समझ नहीं आउंदी वी जे मैं डर गया हुंदा तां मैं उत्थे जाणा कहां तों सी करतूत है भी छोटे परचियां चल जाना है जान बुझ के भाई साहब जी तुहाडे नाल क्या जा रहा है एजेंसियां नूं इनपुट जिहड़ी दित्ती सीगी उह इनपुट जिहड़ी साहब इहदे नाल ते 150 बंदा नहीं आना ते इस करके मैनूं आउणा पै गया अज नाल अज नाल थाणे दे अंदर दी वीडियो जिहड़ी तुसीं सोशल मीडिया नहीं इहनां ने उपर इनपुट दित्ती सी ते उह तों बाद च इक आधो आर्टिकल छपाए गए सी अखबारां वल्लों भी अमृतपाल इज़ आइसोलेटड एंड डेस्परेट उहदा मैं जवाब दित्ता सी इहनां नूं इहनां ने उपर जिहड़ी इनपुट दित्ती सी ना देखो गल पता की हुंदी आ अज इतने असं 5 मिनट लिए खड़े हैं सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से सदका संगत इतने भी पहुंची है रात को भूरे कोने भी इन्हें पहुँचना है संगत का प्रेम है संगत ने तय करना होंगे संगत ने तय करना भी कौन मनुख जिहड़ा मर्यादा चल रहा कौन नहीं चल रहा जिहड़े अज मर्यादा पुरशोत्तम बन रहे हैं इन्हें सिखी का जिन्ना घाण किया कोई कर सकता है लोगों के बच्चे नशियां तिला दिते गुरु की गदबी कराई जिन्हें केस दर्ज हो गए ने चार्जशीट दाखिल हो गई है वो बंदे कहन भी सानू मान मर्यादा की बड़ी चिंता हो गई है मैं तो कहना सगों मेरे नाल मेरे इस कार्य के नाल जिहड़े कामरेड ने जिहड़े खब्बे पक्षी ने उन्होंने गुरु च श्रद्धा जाग पी है तो इस तो वड्डे की हो सकता है भाई साहब जी तुहाडे मजीठिया का कहना है कि जे तुसीं संत हो जे तुसीं गुरु नूं मन्नण वाले फिर एजेंसियां की गल कहते करदे हो तुहाडा एजेंसियां नाल की तालमेल आ किहड़ी एजेंसियां की गल अमृत संचार की गल कर रहा है लोगों नूं नौजवान नशा छुड़ाउण की गल कर रहा है भी उहदे कोलों इन्ना डर के उहदे बंदियां दे उपर जां उहदे उपर परचा किहड़ी गल्लों मेरे तो नहीं अमृत संचार तो इन्हां नूं डर सदियां तो लगदा आ रहा लगी जाणा मैं चल जूं को होर आ जूगा रुकदा थोड़ी हुंदा काम ये समझ लेना चाहिए सिख आजाद होकर रहेंगे सिखा नूं इदां दबाया नहीं जा सकता सिख नौजवानों नूं मेरी अपील है भी तुसीं पतितपणा छड्ड के नशे छड्ड के अमृत छको अमृत छक के गुरु का सिंह सजो तैयार बर तैयार होवो तो जिदन तैयार बर तैयार खालसा हो गया उदन सतगुरु ने अरदास मान लेनी साडी जिहड़ी सी रोज़ कहिंदे राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई ये राज उदन मिलना जिदन असीं खालसे आप बन गए लगते होंगे देखो जो किसी को वर्तारा समझ ना आए ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕੋਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 37 ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਟੀਕੇ ਲਾਲਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ
फिर सानू इन्होंने नशे दे विच मारिया, हुण नौजवानी उत्थों भी मुड़ी है, हुण इह फिर गोलियां वाले पासे नूं तुरन लगे ने। सो इन्हां दा इह जिहड़ा चक्कर घूम रहा है ना जुल्म दा, इह सतगुरु सच्चे पातशाह अग्गे अरदास साडी दी इही है कि असीं उहदे अग्गे फरियाद करदे, इन्हां अग्गे फरियादी नहीं हुंदे, उन्हें सानू इस जुल्म तो बचा के खालसे दा राज बख्शना। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला बनने की कोशिश की जा रही नहीं, वह कोई नहीं बन सकता जी, देखो ना कोई कोशिश कर रहा ना कोई बन सकता, इदा किसी बनाया ना किसी बनिया को बनता है, बन के इन्हों को तुम बन के दिखा दो कोई जना, तुम कोई कोई मनुख बन के दिखा दो। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं जिस तरह नाले घटना हुई है तो गवर्नर राज पंजाब दे विच लगना चाहिए, वो तो देखो जिहड़ा बंदा सरकार तो बाहर हुंदा ना उहदे लई तो गवर्नर राज लगना चाहुंदा ही हुंदा भी लग जाए, छे महीने लगा रहे फिर इलैक्शन हो जाए, उन्हां बंदियां नूं इह तां मौजूदा सरकार दी नाकामियां, उन्हां नूं इह सोचना चाहिए बयान देने तो पहला भी आप ही इहो जिहे बयान दिंदे जदों इहो जिहा मौका मिलता झूठियां फिर ना करन ते ना लाओ ऑर्डर दी सिचुएशन बने। पंजाब सरकार नॉन सीरीयस हो के काम कर रही है, पंजाब सरकार मुद्दियां ते काम ही नहीं कर रही, नशे का वादा किया बेदबी का वादा किया, किन्ने महीने हो गए ने बेदबियां लगातार जारी ने, जिहड़े बेदबी करन वाले बंदे ने उन्हां नूं इह पागल कह के छड्डी जांदे ने, और इत्थों तक कि बेदबी दे कानून बनाउण दी कोई गल नहीं इन्हां ने अज तक कीती, जिहड़ियां गल्लां करके आए सी उस तों बाद दोषियां नूं जेल सुट्टण दी गल सी, नशे कहिंदे सी भी असीं लक तोड़ देंगे फलान कर देंगे नशे दा, नशा पहलां नालों वध चुका है, और नशा कोई ऐसा नशा नहीं जिहड़ा पंजाब च अज ना विक रिहा होवे, गली गली महल्ले महल्ले च विक रिहा है, नशे वेचण वाले इहदे हौसले इन्ने वध गए ने कि जे कोई शिकायत करता तो उहनूं वढ के वीडियो बना के दिखाउंदे ने भी असीं वढिया है, ये पंजाब सरकार की कारगुजारी है, अपना जिहड़ा फेलियर लकाउण कर ली, अपना जिहड़ा जिहड़ा नाकामी लकाउण ली वो मेरी खबर ला के मेरे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चंगा है, फिर उन्होंने दसो भी जिहड़ा DGSP सेखों ने ये एक्सपोज किया है उनके उत्ते पंजाब सरकार की की कारगुजारी है, जिहड़ा मौल बंब धमाका सी उहदी जांच रोकी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो कदों शुरू करनी है, पिछले 20 साल सब तो वड्डा अतवादी बंब धमाका होया है उहदी जांच किन्ने शुरू करनी है, बेदबियां की जांच किन्ने वधाउणी है, अगे इत्थे जिहड़े नौजवान नशे नाल मर रहे ने उहदे ते कोई कमेटी कोई सिट बैठी आ, किसी हाई कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया है भी भाई असीं आह कम करांगे। भाई साहब जी जिहड़ियां तुसीं गल कीती है जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट दे विच लास्ट सवाल है अज्ज दा, सुप्रीम कोर्ट दे विच हुण जिहनूं लै के सेखों नूं अंदर कीता गया उह रिपोर्टां ना खुल्लण दा कारण की है, कौन ने उह लोग जिहड़े नहीं चाहुंदे भी जिन्हां ने पंजाब नूं बर्बाद कीता है उहनां दे नां नशर होण, इह सारे ही रले ने, देखो जदों ना खुले इन्हां सारिआं दे आ जाणे ने जिन्हां जिन्हां ने पंथ नूं बेच के पंथ नूं उजाड़ के अपने महल बनाए ने उहनां सारिआं दे नां बाहर आउणे। बादल परिवार ते जिहड़ी कारवाई हुई पंजाब सरकार वल्लों उहनूं किवें देखदे, अजे कारवाई कदी है, जदों परचे नामजद कीता जदों कोई कारवाई उहदों वेखी जाऊगी। ठीक है जी, नौजवानां नूं संदेश, नौजवान वध तों वध बाणी नूं बाणी दे धारनी बण, अमृत छकण, अमृत छक के तिआर बर तिआर होण ते पंजाब लई संघर्ष करन लई तिआर बर तिआर रहण, साडी बांह किसे नहीं फड़नी, गुरू तों बिना असीं गुरू दे लड़ लगीए, इहनां पार्टियां दे पिछे ना तुरीए। ठीक है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। भाई अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे मुखी ने, देख सकते हो तुसीं असीं पहुंचे हां भिखी मिंट तों अगे अलगो कोठी कस्बा है, उत्थे तरन तारण जिले दा है, तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीरां किस तरह भाई साहब अपने समर्थकां दे नाल अज इहनां वल्लों इक पूरी जिहड़ी आ अमृत संचार की एक मुहिम चलाई गई पूरे पंजाब दे विच, अज तुसीं देख सकते हो कि किस तरह पूरे नौजवान इन्हां दे नाल ने, इन्हां दा कहना कि पंजाब कुछ लोगों लीडरां ने ते अफसरां ने पंजाब दा बेड़ा गर्क करता, पंजाब दा कान करता, अज पंजाब दी जवानी नशे दे विच बर्बाद हो गई है, ते इन्हां दा इह कहना कि इन्हां दी लड़ाई जिहड़ी नशे दे खिलाफ है वह जारी रहेगी। बाकी गल कीती जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां उन्हां नूं वी इन्हां दा इह कहना उन्होंने उत्ते भी वड्डी कार्रवाई होनी चाहिए है। तुम वेख सकते हो लाइव तस्वीर भाई अमृतपाल सिंह अपने जथे दे नाल रवाना होए ने, यह इलाका अज भिखी विंड तरन तारण जिले का भिखी विंड तो कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है अलगो कोठी का इलाका, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पालकी भी साहब भी सुशोभित है, किस तरह अमृत संचार कराया जा रहा, इन्हों का कहना है कि पंजाब सरकारां ने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग नहीं निभाया। बाकी रही गल के कहते जे साडे सिंघां दे झूठे परचे जां किते गए तो फिर एक बार ये जवाब जरूर देंगे। तरन तारण जिला भिखीविंड तो D4 न्यूज़ दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।